नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंपलीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो कि बैंक क्लर्क और POSSC में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नों पर। दोस्तों, ये रहा मैं अपने इस वीडियो का पहला प्रश्न रहा। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, 475 प्लस 64% ऑफ 950 बराबर 950, यानी कि। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, किस टाइप से सॉल्व करते हैं, यदि आप बोर्ड मास का रूल नहीं जानते तो मैं पहले ही बोर्ड मास का रूल का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। कि और मैं इस वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दे रहा हूँ, जिस पर आप जाकर डायरेक्ट बोर्ड मास का रूल देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ इसको देखेंगे तो क्या क्या करना पड़ता है। यदि आप बोर्ड मास का रूल जानते हो तो कोई जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी से जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करते हैं, आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 475 है, तो दोस्तों यहाँ पर 475 लिख 475, और फिर उसके बाद 475 है तो यहाँ पर प्लस करेंगे दोस्तों, फिर 64 रहेगा आपका, फिर यहाँ पर गुणा रहेगा और यहाँ पर 950 हो जाएगा। और दोस्तों इसके बटे है परसेंट है, तो इसके बटे में आ जाएगा दोस्तों 100। यहाँ दोस्तों 950 है। दोस्तों आप ये बराबर को अभी कुछ नहीं बोलना है, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इतना सॉल्व करके देख लें। आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देखेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पर पाएंगे कि 950 का 64% निकालना है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। मैं आपको को डायरेक्ट करके बता दे रहा हूँ कि 64% कैसे निकालते हैं। आप 64% बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और आप शॉर्ट ट्रैक से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका आप 50% निकालेंगे तो 50% निकालेंगे तो फिर दोस्तों इसका आधा हो जाएगा, और 10% निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, तो यह 10% हो जाएगा, यानी कि 10% हो जाएगा 95। आपको चाहिए 64%, तो पहले 60% निकाल लें, 95 में 6 का भाग गुणा कर देंगे तो दोस्तों 60% आ जाएगा। यहाँ पर 6 का गुणा करें तो दोस्तों 6 × 5 = 30 आ जाएगा, 0 हाथ में। हाथ में आएगी दोस्तों 1, और फिर यहाँ पर देखेंगे 6 × 9 = 54, और हाथ में 3 आए 54 × 3 = 57। दोस्तों 570 हो गए, आप बचे कितने, 4% बटे 4% निकालने के। दोस्तों 10% में एक अंक के पहले 0 रखते हैं तो 1% निकालने की, 2 अंक के पहले 0 रखते हैं तो दोस्तों 9.5 हो जाएगा इसका 1%। निकालना कितना है दोस्तों, 4%, 9.5 को 4 गुना कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 4%, 9.5 का 4 गुना करेंगे दोस्तों 38 आएगा। आप 570 में 38 प्लस करेंगे तो आप पाएंगे 1083, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1083। अब यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, 1083 यहाँ पर 1083 में से 900 माइनस कर देना है। आप 900 माइनस करके देखोगे तो यहाँ पर 3 में जीरो कुछ नहीं, 3 ही आएगा यहाँ पर दोस्तों, 8 के 8 ही आएगा, और 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 83। दोस्तों आप इसको बहुत ईजीली तरीके से कर सकते हैं, यदि आप बोर्ड मास का नियम आपको आता है तो आपको टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन इस टाइप का है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 14% ऑफ 25 250 गुणा, फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा दोस्तों आपका यहाँ पर, और यहाँ पर फिर परसेंट ऑफ 150 बराबर 480। दोस्तों 480 के बराबर इस पूरी इसको करना है, तो आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो आप सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखते जाइए दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर यह परसेंट दिया है तो इसके अपॉन में दोस्तों 100 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर गुणा कर देंगे
गुणा रहेगा दोस्तों 250 आ जाएगा, 250 यहाँ पर रहेंगे और 250 के बाद दोस्तों फिर से गुणा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहीं पर रहेगा और यहाँ पर दोस्तों 100 का 100 नीचे आ जाएगा क्योंकि भाग निकालना है। और उसके बाद फिर एक गुणा रहा, फिर गुणा के बाद फिर दोस्तों 150, 150 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ को सॉल्व करके देख लें दोस्तों। इसको यहाँ पर काटेंगे 50 से काट देंगे तो यह 2 बार जाएगा और इसको 250 से 50 से काटेंगे ये तो दोस्तों 5 बार जाएगा और फिर उसके बाद 50 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा और 50 से 150 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा। आप देख लें यहाँ पर फिर 2 से 14 को काट देंगे दोस्तों 7 बचा और आप यहाँ पर 7 के बाद फिर यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे तो दोस्तों यह 7 पन्ना 35 आ जाएगा दोस्तों। 7 यहाँ पर करके देख लें 7 पन्ना 35 और दोस्तों यहाँ पर ये गुणा रहेगा और यहाँ पर गुणा है 3 जे बचा तो ऊपर रहेगा 3 और नीचे आ जाएगा दोस्तों 2। दोस्तों 35 ऊपर है तो नीचे तो कुछ है नहीं तो नीचे 1 आ जाएगा। आप देखेंगे बचा कितना 840 बचा। 840 के लिए आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप यह पक्ष बराबर यहाँ पर बराबर है 840 दोस्तों। फिर आप यदि इसको पक्षांतर कर देंगे तो आप क्या पाएंगे दोस्तों, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 840 यहाँ पर लिख लेंगे और यदि 840 यहाँ पर लिखेंगे फिर आठ सौ चालीस लिखने के बाद दोस्तों पक्षांतर करते हैं तो यह उल्ट जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 1/35 आ जाएगा और फिर इंटू का इंटू रहेगा, यहाँ 3/2 है तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं या फिर देखिए यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 पन्ना 35 और आप यहाँ पर काटेंगे तो 7 एकम 7 बचा 1 तो और 4 1 और 4 14 तो 2 बार जाएगा तो 7 दूना 14 और ये 0 का 0 रहा दोस्तों 120 हो गए दोस्तों। 7 पन्ना 35 यह 5 बार जाता है तो दोस्तों 5 यहाँ पर है तो आप 5 इसको फिर से काटोगे तो 5 दूना 10 बचा और हाथ में आए फिर 2 बचा फिर काट देंगे तो 5 चौका 20 दोस्तों 24 होगा। 24 में आप 3 3 से काटेंगे 24 तो दोस्तों 8 बार जाएगा। अब 8 बचे ऊपर और 2 जे यहाँ पर बचे तो दोस्तों 8 दूना 16 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आप डायरेक्ट 16। आप इसका आंसर 16 यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व करते रहोगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर है 16। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रहा आपके सामने 94/50 का 2/3 का 2/5 का 2/9 का 2/7 का 30% बराबर क्या होगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन देखने में तो बहुत कठिन लगते हैं लेकिन होते हैं बहुत इजीली दोस्तों। ये का लगा है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको डायरेक्ट गुणा में परिवर्तन कर देंगे, का को सांप को गुणा में कर देंगे, यहाँ पर इसको भी गुणा और इसको भी गुणा कर देंगे। आप देखेंगे कि तो आप यहाँ पर सबसे पहले यह संख्या को काटना है दोस्तों। सबसे पहले आप बड़ी संख्या को काटेंगे तो 9 से काटेंगे इसको तो दोस्तों 9 ही 9 आ जाएगा 90 बचे 94 से 90 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 के बाद 45 5 उठाए हाथ में तो दोस्तों 45 हो जाएंगे। फिर आप 9 9 पन्ना 45 5 बार जाएगा तो 45 हो जाएगा और यह 0 का 0 बचा तो दोस्तों 9 9 से कटने के बाद कैंसिल हो गया तो 1050 बचता है। उसके बाद आप 7 से इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, 7 में 10 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचा कितना दोस्तों 3 और उसके बाद देखेंगे यह
पाँच का पाँच करेंगे तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 7 पन्ना 35, और फिर जीरो का ये जीरो रहेगा दोस्तों, 7 से कैंसिल होने के बाद 150 हो गया। अब 150 के लिए 5 से फिर कैंसिल कर देंगे तो दोस्तों 3 5 15 आ जाएगा और जीरो का जीरो रहेगा। 5 से कैंसिल होने के बाद 30 बचा, अब लास्ट बचा 30, और आप 3 से कैंसिल करेंगे 30 को तो उसके बराबर आ जाएगा दोस्तों 10। अब यह 10 आने के बाद दोस्तों गुणा कितने करना है, 2 से 2 से 2 से 2 से। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर 10 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में 2 का करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 में 2 का करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 160। अब निकालना क्या है, 160 का 30% निकालना है। तो दोस्तों 160 का आप 30% बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने बोला था कि 10% निकालने के लिए एक अंक हटा देते हैं या फिर पॉइंट रख देते हैं, दोस्तों 10% आ जाएगा 16। आप 30% निकालना है तो 30 का इसमें इंटू कर देंगे तो 16 3 48 आ जाएगा। इस टाइप का इस प्रश्न का आंसर रहा 48। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 440 भाग 40 भाग 4 भाग 0.4। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व किस टाइप से सॉल्व करते हैं। अब यदि ये सॉल्व पहले आपने कभी सॉल्व किए होंगे नहीं तो आप पर कभी नहीं बनेंगे, और यदि आप बोर्ड मास का रूल भी नहीं जानते तो फिर आप पे फिर कभी बन ही नहीं सकते दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकें। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों ये भागत का निशान है तो यहाँ पर भागत का निशान ही रहेगा, और आप इसको फिर देखेंगे सॉल्व करने के पहले यहाँ पर 40 40 दोस्तों यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे और फिर 1/2 कर देंगे 40, और फिर गुणा के बाद 1/4, फिर गुणा आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा दोस्तों 0.4। इस टाइप का क्वेश्चन जम जाता है। आप फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको एक एक संख्या करके आप काटते जाएंगे। सबसे पहले आप बड़ी संख्या को काटेंगे मतलब 40 से काटेंगे तो दोस्तों 40 का एक बार जाएगा, 40 से कम 40 बच्चे उतारे 4 दोस्तों, 4 में भाग नहीं जाता 4 0 9 0 लगा देते हैं, फिर एक बार जाएगा दोस्तों 40 से कम 40, 40 से भाग देने के बाद 101 आता है, पर उसके बाद 4 से भाग देते हैं यहाँ पर, 4 से भाग देने के बाद आप यदि 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर जाएगा 4 दूना, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 बचा 2, 2 के बाद यहाँ पर 1 बचा तो 21 हो गया, तो 4 5 20, फिर दोस्तों 1 बचा तो भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर एक 0 लग जाएगा तो 4 5 20 हो जाएगा दोस्तों, यह कैंसिल हो जाएगा। फिर उस 4 से डिवाइड होने के बाद बचे 25.25। अब सब में लास्ट बचा 0.4, यदि आप इसको 0.4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, यदि आप इस टाइप से क्वेश्चन बजा देते हैं पॉइंट यहाँ पर भी है और ऊपर भी है तो आप पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, बाद में इसको देखेंगे, आप डायरेक्ट 4 से इसको भाग देंगे। आप 4 से डायरेक्ट भाग दोगे तो 4 5 20 और 4 6 24 आएगा, 6 बार जाएगा 24 आएगा, 25 में 24 जाएगा दोस्तों 1 बचेगा, उसके बाद यह 2 उतारेंगे तो दोस्तों 12 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, उसके बाद 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, अब ओनली कितने बचा दोस्तों 5 बचा, तो 1 बार जाएगा 4 1 4, उसके बाद कितना दोस्त 1 बचा, 5 में 4 जाएगा तो 1 बचा। अब 1 का तो भाग जाता नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लग जैसे आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा
10 तो 5 दूना हो जाएगा दोस्तों 10। उसके बाद बचा 2, 8 हो जाएगा तो 2 बचता है, तो उसके बाद 0 वाला जाता है, तो फिर एक 5 बार और जाता है तो आ जाता है 4 से 20, 5 बार जाएगा तो 4 पंचे 20 आ जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जा आ जाएगा 63.31 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पर है, तो दोस्तों यह पॉइंट एक बार एक आगे और सरक आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो एक पॉइंट यहाँ पर और आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 63.125, इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 250 का 10% प्लस 150 का 50% बराबर 63 क्वेश्चन मार्क क्या है। तो मतलब इसका है कि 250 का 10% और प्लस 150 का 50% बराबर 63 में कितना और जोड़ा जाए कि इनके बराबर हो जाए। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या सवाल आता है दोस्तों। 250 का 10% निकालेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे डायरेक्ट 10% निकाल सकते हैं तो 25 आ जाएगा, प्लस इसको करेंगे और 50% निकालने के लिए दोस्तों 2 से भाग दे देते हैं तो 50% आ जाता है। तो 150 में 50 से भाग दोगे तो दोस्तों 75 आ जाएगा, और यहाँ पर देखें तो 25 और 75 हो जाएगा 100। अब 63 में कितने प्लस करना है कि 100 हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप 63 माइनस कर सकते हैं। जैसे आप 63 माइनस करोगे तो दोस्तों यहाँ पर 0 में 300, यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, तो और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और 10 में से 7 जाएगा दोस्तों 3 बचेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन इस प्रश्न का आंसर है 37। इसमें 37 और जोड़ देंगे तो आप इसके बराबर आप पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का आंसर 100 निकल रहा है, तो यहाँ पर भी 100 करने के लिए 63 में 37 को जोड़ना पड़ेगा तो 100 हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, बस यह वीडियो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।